धरना जो है प्रदर्शन आंदोलन जो ज्योतिबा फुले जी ने आंदोलन चलाया था भारतीय हिस्सेदारी आंदोलन, वो आज मरा हुआ पड़ा है। हम उसको जनता करते वो नीतियां बनाती है। एक जो लेटरल एंटी कमेटी बनाती जिसमें किसी को आवश्यकता नहीं है टेस्ट देने की, और पूंजीपतियों के बच्चे आईएएस बनेंगे, ऐसे ही कॉलेज। अंधकार से प्रकाश की ओर, पतन से उत्थान की ओर, ये मूल वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है। और ये कहते हैं हर इंसान को अपने जीवन में ये करना चाहिए कि उसको उत्थान की तरफ जाना चाहिए, उसको जीवन के अंदर विकास की तरफ जाना चाहिए। और उत्थान शब्द के साथ उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी जंतर मंतर पे आई है। बहुत सारे इनके मुद्दे हैं, मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं कि इनका दावा है कि वो मुद्दे अगर होंगे देश में, अगर वो लागू हो जाए तो ये, अगर कोई भी सरकार लागू कर दे, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी सरकार अगर इनका एजेंडा लागू कर दे तो इनको पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं कि अगर इनका एजेंडा लागू हो गया, इनकी बात मान ली गई और इनके किए हुए मुद्दों पर अगर देश में विकास हो गया या देश में इम्प्लीमेंट हो गए तो देश से गरीबी का समूल नाश हो जाएगा और देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये देश अमीरों का देश है, अमीरों का देश था, अमीरों का देश रहेगा, ये देश सोने की चिड़िया रहेगा। ऐसे ही उत्थान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले आपका परिचय और फिर बात करेंगे। राम खिलाड़ी यादव, उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं जिला एटा से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो पार्टी बनाई है वो सरकार की गलत नीतियों के कारण बनाई है। सरकार की नीतियाँ जो है विकेंद्रीकरण को समाप्त करके और केंद्रीकरण की तरफ जा रही हैं। सरकार जो है अदिश हो गई है और हम चाहते हैं, हमने जो पार्टी बनाई है सदिश दिशा के लिए बनाई है। बहुत एक बात जैसा मेरे को अभी आपसे परिचय जानकर पता चला कि आप तो एक साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी थे। पॉलिटिकल साइंस वाला विषय या पॉलिटिक्स में आना, इसकी रुचि होना और इसके अंदर आ जाना समाज के विकास के लिए, वैसे तो कहते हैं कि हर इंसान में एक सामाजिक प्राणी होता है, क्या आपको अनुभव रहा, क्या ऐसी कमियां रहीं जिसकी वजह से आपको ये उत्थान विकास पार्टी का बनानी पड़ी? जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनके अधिकारों को लूटा जा रहा है और उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई पार्टी सक्षम नहीं है। सक्षम क्यों नहीं, सारी पार्टियाँ किसी न किसी लालच में फंसी हुई हैं और वो न्याय की बात नहीं करती। सामाजिक न्याय की जब बात नहीं करेंगी और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा नहीं करेंगी, अपनी लाइबिलिटी नहीं निभाएंगी, आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करेगा प्रत्येक व्यक्ति, तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। जातिगत जनगणना जो मूल मुद्दा है, जो लग तक वैचारिक रूप से ज्यादातर पार्टी आप सहमत हो गई, कहते हैं धुर विरोधी पार्टी आरएसएस, उसके अंदर से भी आवाजें आ रही हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या लगता है ये मुद्दा अब जो होने वाला है, जो सेंसस होने वाला है, क्या उसमें ये मुद्दा रहेगा और क्या ये मांग तो लगता है कि पूरी हो जाए, क्या लग रहा है आपको? मैं आपको बताऊं, 1871 से पहले जो है हमारे यहाँ बड़ व्यवस्था थी और बड़ व्यवस्था के आधार पर लोगों को नौकरियां मिलती थी और सुविधाएं मिलती थी, और बड़ व्यवस्था के आधार पर देश में जमीन के मालिक थे। जो बड़ व्यवस्था में नहीं आते थे वो इस देश में जमीन के मालिक नहीं थे, वो शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे, वो इलाज कराने के अधिकारी नहीं थे, वो शहर में घूमने के अधिकारी नहीं थे। ये हमारे देश की दुर्दशाएं थी। जब हमारे देश में अंग्रेजों ने पैर फसारे तो 1871 में जनगणना शुरू हुई और जनगणना शुरू करा के अंग्रेजों ने बड़ व्यवस्था को समाप्त किया और समाप्त करके योग्यता को आधार बनाया, और योग्यता को आधार बनाकर हमारे दबे कुचले आदिवासी बैकवर्ड एससी के लोगों को नौकरियां मिली और सर्विस में लोग आए, उससे उत्थान हुआ देश का। और आते आते 1948 में जातिगत जनगणना को जो बंद कर दिया गया, और बंद करने से हम लोग बहुत पीछे चले गए। तो मेरा यह है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी और जो जनगणना अधिनियम है उसको जातिगत जनगणना अधिनियम नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये देश जो है गरीब होता जाएगा और जो अमीर हैं अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हो जाएंगे, और 1871 से पहले की स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी इस देश में। आपका कहने का मतलब है जैसे कोई बीमारी होती है तो उसका डायग्नोसिस पहले होता है जी, उसका हम कहते हैं कि चेकअप पहले करते हैं, तो जातिगत जनगणना क्या वो चेकअप है जो समाज में जातियों की स्थिति पता लगे? बिल्कुल, जातिगत जनगणना एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और ऐसी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जिससे सारी बीमारियां दूर। और क्या मुद्दे हैं आपके मुख्यतः? जातिगत जनगणना अधिनियम में संशोधन की बात की आपने जातिगत जनगणना की बात की, ये तो दो मुद्दे हो गए मेन। ये बहुत
फेमस मुद्दे हैं और क्या मुद्दे हैं? जो हमारी भारत सरकार है वो एक एक मत से चुन के आती है, और सरकार में जो है भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सबकी एक एक मत की बड़ी जो है अमूल्य होता है, और अमूल्य होने के कारण नीतियां जो है नौकरशाही बना देती है। नौकरशाही जनता के बीच नहीं आती और जो उनको लाभप्रद होते वो नीतियां बनाती है। एक जो लेटरल एंटी कमेटी बनाती जिसमें किसी को आवश्यकता नहीं है टेस्ट देने की, और पूंजीपतियों के बच्चे आईएएस बनेंगे, ऐसे एक कॉलेजियम सिस्टम है जिसे खत्म करना चाहिए। जो कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम की बात करना, एनजेसी बनाना चाहिए, बनना चाहिए। और एक काला अध्याय चल रहा है, मैं समझता हूँ देश आजाद हुआ एक साक्षात्कार का, वो काला अध्याय भी समाप्त होना चाहिए। ऐसे अगर एक तरह के लोग बैठे हुए हैं तो वो जाति के आधार पर मैं जाति की बात तो है ही, बहुत जो है गंभीर मसला है, एक काला अध्याय जो नहीं समाप्त हो रहा है देश से। उनके पास वीटो होती है किसी को और, भी निकाल सकते हैं। और वो काला अध्याय इसलिए है पूंजीपतियों के बच्चे गद्दों पर सोते हैं और आकर आईएएस बन जाते हैं, वो काला अध्याय समाप्त होना चाहिए। गरीब का बच्चा उस काले अध्याय से खत्म हो जाता है, न आईएएस बन पाता, न पीसीएस बन पाता, न पीसीएस जी कर पाता, वहां से बैक हो जाता है चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, मेंस क्लियर करने के बाद भी लटक जाता है, लटक जाता है। तो ये काला अध्याय समाप्त होना चाहिए। मेरा कई हैं, कई मांगे हैं। एक जो एक खाता खुलवा लिया है भारत सरकार ने जिसको हम कहते हैं पीएम केयर फंड कहते हैं, पीएम केयर फंड संविधान की दशा में और डिजास्टर मैनेजमेंट की दशा में नहीं खोला जा सकता, क्योंकि भारत सरकार का 25 सेक्शन के तहत जो एक आपातकालीन खाता होता है वो ही रहना चाहिए। एक तो खाता बंद होना चाहिए, सारी चीज़ें जो हमने अपनी मांगों में रखी वो सारी अगर लागू हो जाए तो हम पार्टी अपनी पार्टी को समाप्त कर लेंगे। कितना पार्टी का विस्तार की अभी योजना है, क्योंकि ये मांगे तो इतना आसान नहीं है कि कोई पार्टी पूरा करेगी, आप ही को करना पड़ेगा। तो पार्टी की विस्तार की क्या योजना है, चुनाव की क्या योजना है, किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हमारा चुनाव से जो संबंध है वो तो पार्टी का है ही, हम सामाजिक न्याय के लिए और शैक्षणिक व्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और संभवतः आगामी समय में हम निर्धारित करेंगे। हमारा धरना जो है प्रदर्शन आंदोलन जो ज्योतिबा फूले जी ने आंदोलन चलाया था भारतीय हिस्सेदारी आंदोलन, वो आज मरा हुआ पड़ा है, हम उसको जिंदा करके चला। अच्छा, चुनाव की मैं पूछ रहा था, पार्टी का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश में ही है या बाहर भी पार्टी का विस्तार? अभी पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में, हम प्रयासरत हैं, हमें एक साल हुई है पार्टी हमारी रजिस्टर्ड हुए और हम प्रयासरत हैं विस्तार के लिए हर स्टेट में। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको? मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राष्ट्रीय उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर रही है। बहुत सारी पार्टी बहुजनों की बात कर रही है लेकिन बहुजनों के मुद्दे पे फिर वो गोल गोल घूम जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी नीयत में ये लगा रहे हैं कि शंका है, जिस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं लोग कहते भी हैं कि 80-85% तो और 90% तक बहुजन ही है इस देश के अंदर, बाकी लोग तो हैं ही हैं, लेकिन जो एलीट हो गए, जो मजबूत हो गए, उन्होंने ही सारा सब कुछ हिस्सेदारी ले ली है। तो ये हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इनको भी इनका हक और अधिकार चाहिए, और हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। इनके क्या तरीके हैं ये तो आप जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि कहते हैं जनता ही सर्वोपरि है, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि है। ये अपने मुद्दे लेकर आपके पास जाएंगे, और आप अगर इनके मुद्दे अच्छे लगते हैं कमेंट में लिखिए, और इनकी पार्टी को अगर आपको ठीक लगती है तो सपोर्ट करिए। देखते रहिए मिनी संसद।